प्रतिलेखन संख्या 59 स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते है और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आशायुक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्राय मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। सामाजिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और सौदस्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियाँ संसार के घटनाचक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं।